कि उनके पास ये एक 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 सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप है ऐवान का, लेकिन अक्सरियत में नहीं है अगर सारे लोग मिलकर हुकूमत बनाएं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि नहीं, जब उनको वो लार्जेस्ट ग्रुप है तो अखलाकी तौर पर हमें उसका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। अब मैं आप हजरात की इल्म में लाना चाहता हूं कि मेरे रद्दअमल को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा मुवक्कर वफ्त मेरे पास पहुंचा, मुझे इस बात पर आमादा करने के लिए कि आप सख्त मौकफ छोड़ दें, आप नरम मौकफ की तरफ चले जाएं, एतदाल की तरफ चले जाएं। लेकिन जब वो मुझे मुतमईन नहीं कर सके तो उन्होंने पहले मेरे मौकफ की तायीद की, और जब उन्होंने खुद इस बात का इजहार किया कि हमने ये सूबा इसलिए इनके हवाले किया है, ये नहीं कि कौम ने मुंतखब किया है, हमने ये सूबा इसलिए इनके हवाले किया है कि पश्तून बेल्ट में मजहब की जड़ें गहरी हैं, और मजहब की इन गहरी जड़ों को उखाड़ने के लिए इससे बेहतर मुनासिब आदमी हमारे पास और नहीं था। और हमने एनजीओज के जरिए से 15 साल मेहनत की है ऐसी 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 फजा बनाने के लिए। आप बताएं जी, हम कहां खड़े हैं जी? पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोग मुसलमान हैं, यहां एक बड़ा मजबूत किस्म का मजहबी फिक्र का तबका मौजूद है, वो भी पाकिस्तानी हैं, उनके भी एहसासात हैं। अगर हम उनके कॉज की बात करते हैं तो जल्दी से कह दिया जाता है मौलवी साहब फिर मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। अगर एक कौम परस्त अपनी कौमियत का कार्ड इस्तेमाल कर सकता है तो मैं भी फिर मजहब का कार्ड इस्तेमाल कर सकता हूं, यह मेरा हक बनता है, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं इसके ऊपर। मैं पाकिस्तानी हूं, आईन में जिस चीज को तहफ़ हासिल है, और जब उसको खतरा होगा तो, अगर जमहूरियत को खतरा है और मैं फ्रंट लाइन पर लड़ता हूं तो फिर अगर इस्लाम को खतरा होगा तो फ्रंट लाइन पर लड़ेंगे। इस पर किसी को आर न दिलाया जाए। तो इस हवाले से सूरत हाल यह है, हमने आपके साथ मिलकर मुत्तफिका मौकफ लिया है कि हमें शरीयत चाहिए लेकिन बंदूक के जोर से नहीं, आपके साथ खड़े, आईन के साथ खड़े, पार्लियामेंट के साथ खड़े। लेकिन मुझे बताया जाए कि आज जो इस पार्लियामेंट में कानून साजी हो रही है यह बंदूक के जोर से नहीं हो रही, रियासती बंदूक अगर वो अपने जोर से मुझसे कानून साजी कराता है वो सरोचिश्म पे कबूल, लेकिन अगर कौम का कोई फर्द चाहता है तो हम उसको गद्दार और दुश्मन और फला फला कहें, हम आपके साथ हैं इस मामले में। हमारा नजरिया यही है कि हम जमहूरी रास्ते से मेहनत करें, लेकिन जमहूरी रास्तों से 1973 से लेकर आज तक क्या मिला है कौम को? अभी तक शिकवे तो मौजूद हैं लेकिन हालात, मुल्क कहाँ खड़ा है, इदारे कहाँ खड़े हैं, हमारी कमजोरियाँ हम नज़रअंदाज करते चले आ रहे हैं। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। हमारे मुल्क का जमहूरी निज़ाम भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाबजौला है। फिर ये कहना कि जी धांधली के लिए कमेटी बनाई जाए और कमेटी इस बात को तलाश करे कि धांधली हुई है या नहीं हुई, तहकीकात कराई जाए। आप हजरात ने इब्तिदा में इस पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन मैंने अव्वल दिन से कहा है कि हम इस धांधली के लिए किसी तफ्तीश तहकीक के रवादार नहीं हैं। ये ऐसा ही है जैसे निसफ़ुन नहार पर सूरज खड़ा हो और हमें कोई कहे साबित करो कि सूरज है, ये इस तरह की धांधली। लिहाजा इसके लिए कमेटियों में जाना तफ्तीश तहकीक के लिए, और वो फिर भी नहीं कर रहे, आपका कमजोर मौकफ होने के बावजूद वो इस तरफ नहीं आ रहे। ये सारी चीजें जो आपने अपने वसीउ ज़र्फ़ी का मुजाहरा करके कहा कि लार्जेस्ट ग्रुप है और हुकूमत बनाए, आज पंजाब में मुस्लिम लीग नून लार्जेस्ट ग्रुप है, K
क्या ये फराखदिली वहां से आपके पास आई? क्या उन्होंने आपको वहां हुकूमत बनाने का मौका दिया? जिस तरह पीपल्स पार्टी ने सिंध में कि हम तो वहां हुकूमत बना रहे हैं तो हमें हल्फ से मत रोकें, तो मुस्लिम लीग ने भी यही कहा था कि हमें हल्फ से मत रोकें, हम पंजाब में हुकूमत बना रहे हैं, तो क्या जवाब मिला आपको वहां पर? ये बातें मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूं, शायद जज्बात को ठेस भी पहुंचे इन चीज़ों से कि फजल रहमान क्या पुरानी पुरानी बातें दोबारा कर रहा है, लेकिन सिर्फ याद दिलाने के लिए कि हम बहुत कुछ खो चुके हैं। आज अगर हमने फैसले करने हैं तो फिर भरपूर फैसले करने हैं। अगर हमने कोई ढीले ढाले फैसले किए, रिवायती किस्म के फैसले किए, अभी मार्च आ रहा है, अगर मार्च में सेनेट का इलेक्शन हो जाता है तो पार्लियामेंट का एक हिस्सा इन जाली लोगों के हाथ में आ जाएगा। तो आप फिर कहां खड़े होंगे, मुल्क कहां खड़ा होगा? लिहाजा हम बड़ी सराहत के साथ कहना चाहते हैं कि आज ही फैसला करें कि हम असेंबलियों से मुस्ताफी होंगे। अगर हम इन्हीं असेंबलियों में बैठे हुए हैं जहां हमारी तौकीर का यह आलम है, जहां कोई कारकर्दगी नहीं है, तो फिर मैं नहीं समझता कि हम अपने मकसद के लिए, जो शफाफ इलेक्शन का मकसद है, उसके लिए कोई किरदार अदा कर सकेंगे। अगर हमने सिविल सुपरमेसी के लिए कोई ठोस इकदाम करने हैं तो फिर आप आए अवाम के सफों में जाने के लिए, ताजर बिरादरी के पास जाएं, वकला के पास जाएं, असातजा के पास जाएं, डॉक्टर्स के पास जाएं, मजदूर के पास जाएं, किसान के पास जाएं, सनअतकार के पास जाएं और उनको कहें आए हम इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे लड़ेंगे, हम उनको इन्वॉल्व करना है फिर हमने, और बड़े कुव्वत के साथ हमें उनको अपने सफों में लाना होगा। जो नेब के बारे में काफी बातें हो चुकी हैं, मैं मियां नवाज शरीफ साहब के ख्यालात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं, लेकिन मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जब 18वीं तरमीम के लिए कमेटी बनी थी और आईनी इस्लाहात की कमेटी कहलाई थी, तो उसमें हमने ये अर्ज किया था कि ये जनरल मुशर्रफ की एक डिक्टेटर की बनाया हुआ इदारा है, इसने हमेशा सियासतदानों के खिलाफ और जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल होना है, इसको उमिट कर दें। जहां बहुत सी चीजें आप हजफ कर रहे हैं, जहां पूरी सत्र में तरमीम हमने हजफ कर दी, हजफ करने के बाद फिर दोबारा इसको बहाल करना हमने अपनी दरख्वास्त की थी आप हजरात से, लेकिन खुदा जाने क्यों इसको बरकरार रखा गया, किस मसलहत के तहत बरकरार रखा गया, हमें आज भी पता नहीं चला और आज हम भुगत रहे हैं उस चीज को कि किस तरीके से हमारे इस मुल्क में उसका किरदार है सियासतदानों के खिलाफ। एक तरफा ज्यादा तफसील से बात करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उस पर बात हो चुकी है। आज आप अपने पूरी निजाम को देखें, असेंबली जाली, आपका वजीर आजम जाली, सेनेट चेयरमैन के खिलाफ जो अदम एतमाद हुआ और वहां जो कुछ हुआ, मेरी जुबान में आज चेयरमैन सेनेट जाली। परसों तरसों जो कौमी मुश्तरका इजलास में अकलियत को अक्सरियत कहा गया, शायद वहां के मुलाजिमीन को भी गिना होगा उन्होंने इसमें, और शोर शराबा के बावजूद इस पर भी हमें तय करना चाहिए कि ये जो गिनती हुई है ये गलत है और पार्लियामेंट की अक्सरियत को अकलियत बना दिया और अकलियत को अक्सरियत बनाकर पेश कर दिया और कहा कि बिल पास हो गया जी। तो अब तो कौमी असेंबली का स्पीकर भी मुझे जारी लगता है, अब जब पूरा पार्लियामेंट भी जाली हो जाए, उसका हुक्मरान भी जाली हो जाए, फिर किस लिए बैठे हुए हैं वहां पर? ये सब ड्रामे हुए हैं वहां पर। और आज जो
FATF के जरिए से कानून साजी हो रही है, ये यहाँ अब रुकेगी नहीं। आपकी एटमी सलाहियत के खिलाफ भी करारदाद आएगी और दबाव आएगा इधर आपके ऊपर। अब आप फंस चुके हैं, अब उससे निकलने के लिए मजबूत फैसले करने होंगे। डी न्यूक्लियराइजेशन जो है उसके आप इंतजार करेंगे आप। तो इस नाजुक सूरत हाल से कि हम अपनी अय्याशियों के लिए पाकिस्तान को जिंदा रखना चाहें, चाहे जितने भी हम गुलाम बन जाएं, लेकिन हमारी अय्याशियां जिंदा रहें, तो ये तो कोई जिंदगी नहीं है। पाकिस्तान अव्वल है हमारे लिए, उसकी बका अव्वल है हमारे लिए, बाइज्जत बका उसके अव्वल है हमारे लिए, और वहां पर जो आइन है आइन के मुताबिक हमारा निज़ाम चलना चाहिए। कभी तजावीज आ जाती है सदारती निज़ाम। हमने आइनी इस्लाहात कमेटी में इस बात पर इत्तेफाक किया था कि आइन के बुनियादी ढांचे का तायुन किया जाए, और हमने चार पिलर्स उसके बताए थे, उस पर इत्तेफाक हुआ था। इस्लाम, जमहूरियत, विफाकी तर्ज हुकूमत, पार्लियामानी निजाम। अगर एक सुतून भी गिरता है, आइन गिर जाता है, और आपको एक आइन साज असेंबली देकर नया आइन देना होगा, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल है कि हम असर नौ नए आइन पर बात करें? 70 सालों में जो चीजें तयशुदा हैं वो दोबारा रीओपन हो जाए, क्या हम मुतहम्मिल है इसके? तो इन हवालों से भी हमें अपने मजबूत मौकफ की तरफ जाना होगा। और हालत तो हमारी ये है कि हम मिलियंस इज्तिमात करते हैं, लेकिन मीडिया को इतना कमजोर कर दिया गया है, इतना मुकय्यद कर दिया गया है कि वो हमारे लाखों के इज्तिमात और हमारे तकरीरें जो हैं वो अपने चैनलों पे दिखाने के काबिल नहीं रहे। उनको रोका जाता है बाकायदा और वो रुक जाते हैं। हमें मीडिया से शिकवा अपनी जगह पर, लेकिन हमें मीडिया की मजलूमियत को भी सामने रखना चाहिए और उनकी आज़ादी के लिए भी हमें एक मजबूत मौकफ लेना चाहिए। पाकिस्तान बड़ी हिम्मत के साथ मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहा था, सीपैक मंसूबा, पावर जनरेशन का मसला और बहुत से मंसूबे पाकिस्तान के सामने थे, मादनी ज़खायर की तरफ जाना, उसको पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल में लाना, लेकिन आज सब कुछ रुक गया है। और मुझे एक सफारतकार ने बताया, बाहर के सफीर ने, कि जब हमने इनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम मेगा प्रोजेक्ट की मुतहम्मिल नहीं है, लिहाजा हमें माइक्रो लेवल पर और हमें मीडियम लेवल पर सरेनौ नए मंसूबे शुरू करेंगे। तो फिर अंडे और मुर्गी और कट्टे और यहां से शुरू हुए और ये पॉलिसियां आज हमारी स्टेट की पॉलिसियां। ये ऐसा मौजू है जी कि इस पर आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, हमें ये चीजें देखनी होंगी कि अगर आज की एक गैर आईनी हुकूमत दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ या बैनुल अक़वामी किसी इदारे के साथ ये कहते हैं जी आपके तकरीर नहीं जा रही हूँ बाहर जी, लाइव ने कहा था कि ना बंद करें मोबाइल फोन्स को, चाहती हो कि ये बाहर लाइव चले। मेरा तो ख्याल था कि हमारी आज की कॉन्फ्रेंस पब्लिक होनी चाहिए थी, शुष्क हाँ शुष्क।
چیز تاسو خبر لایو نه مې بار نه زیږي ما خلاره له تاسو باندې تو اب ایسی صورتحال میں میرے خیال میں حکومت تو ہماری آواز کو پبلک میں لے جانے سے روکتی ہے لیکن آج اے پی سی نے بھی ہماری تقریر کو باہر جانے سے روک دیا ہے تو ہم پیپلز پارٹی سے اور ان کے منتظمین سے اس پر اپنا احتجاج نوٹ کراتے ہیں جی جناب مناسب بات ہے جی موبائل کر رہا ہے نہیں موبائل کرے بھی صحیح لیکن ابھی میرے آنے سے پہلے ابھی جب اس لیے میں ان دونوں کو بلا رہا ہوں میں ابھی آیا اور کہا کہ ہم فونز کو بھی بند کریں گے اور ان دونوں کو بھی بند کریں گے اور ہم نے سنا کہ اور جو بعد میں پریس اور آپ کا ریکویسٹ پہ آپ کا مسٹر جماعت جو آپ کا ایم ایم اے میں ساتھ تھے ان کے ریکویسٹ پہ یہ ان کیمرہ ہے اور اس کے بعد پریس کانفرنس ان کیمرہ تو نہیں تھا نا اس سے پہلے ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے ریکویسٹ کیا نہیں ہم نے کوئی ریکویسٹ ٹھیک ہے اب بنیادی بات یہ ہے کہ ہم زبانی گفتگو پر اکتفا نہیں کر سکتے کیا آپ ہمیں کہیں کہ جی ہم اب لڑیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ آپ پیچھے بہت ہٹ چکے ہیں اور دو سالوں میں ان کی بقا کا سبب آپ بنے ہیں اب باقاعدہ لکھ کر طے کرنا ہوگا تاکہ پبلک کے سامنے ہم یہ ساری چیزیں لے جا سکیں کہ یہ کمٹمنٹ ہے اور کوئی اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کو پھر قومی مجرم تصور کیا جائے مذاق تو نہیں ہے آخر کہ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کمپرومائز کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہمیں بہرحال عملی اقدامات کی طرف جانا ہوگا کمپرومائز کا راستہ بند آپ ہماری تحریک کو ایک سیاسی مہمیز تو لگا دیتے ہیں لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے مصلحتیں سامنے آ جاتی ہیں اور یہ رویے جو ہیں اگر اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے بھی برقرار رہتی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد کر کے کوئی تحریک چلا سکیں گے اعتماد کے لیے بھی ہمیں مؤثر باتیں کرنی ہوں گی ہمیں ایک تجدید عہد کرنا ہوگا ہمیں حلف اٹھا کر یہاں سے نکلنا ہوگا ہمیں ایک تحریری میثاق یہاں لکھنی ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایک باقاعدہ تنظیمی ڈھانچہ ہونا چاہیے ہمارے اس اپوزیشن کا باقاعدہ ایک نام ہونا چاہیے ہمیں ہر طرح کے سرکاری تقریبات کا بائیکاٹ کر لینا چاہیے چاہے کتنے بھی بڑے ملک کا سپر پاور کا مہمان یہاں آئے ہماری روایات یہ ہیں کہ ہم ان تقریبات میں چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں ان کو میسج دینا ہوگا کہ ہم اس کو نمائندہ حکومت ہی نہیں سمجھتے جو آپ کی میزبانی کر رہی ہے لہذا ہم یہ آپ کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس تقریب میں شریک نہیں ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں قانون سازی کے عمل سے مکمل لا تعلق ہونے کا اعلان کرنا ہوگا غیر منتخب اور غیر آئینی حکومت کے تمام بین الاقوامی معاہدات سے لا تعلقی کا اعلان کرنا ہوگا آئندہ کوئی بھی حکومت بنی تو اس کی پابندی نہیں ہوگی یہ گورنمنٹ ہی نہیں ہے قانون بنائے جاتے ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے بنائے جاتے ہیں کیا آپ کو پتہ نہیں ہے سب حضرات کو کہ کالا دھن ہو یا غیر قانونی ترسیلات زر خفیہ اداروں کا اصل بجٹ ہی وہی ہوا تھا تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ پیسہ دہشت گردوں کے پاس جاتا ہے تو میرے خیال میں اس پیسے کا بھی راستہ بند ہونا چاہیے جو ریاستی دہشت گردی کے خلاف جاتا ہے
के क्या हक में चला जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे मद्देनजर होनी चाहिए। अगर आप एक मजबूत फैसला करने, असम्बली से इस्तीफे देने, सिंध की सूबाई असम्बली को तहलील करने और एक भरपूर सियासी तहरीक जिसमें के पार्लियामेंट के अंदर के कानून साजी के अमल से लातालुक होने का फैसला कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में, वरना हम तो आपके पीछे खींचते खींचते अभी तक आए हैं, आपके पीछे खींचते खींचते आए हैं कि हम कुछ फैसला करें तो शायद वो इतना मुअस्सर नहीं होगा। फिर तो इस हवाले से ये हैं हमारी गुजारिशात और इन्हीं गुजारिशात की बुनियाद पर हम आज आपसे बहुत बेहतर तवक्कुआत रख कर आए हैं और इन बेहतर तवक्कुआत के साथ मैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब का, यहाँ पर मौजूद तमाम कायदीन का, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब का, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का सबका शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस हवाले से हमारी और पूरी कौम की हौसला अफजाई करेंगे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। मौलाना फजल रहमान साहब आपका बहुत ही शुक्रिया, हमेशा की तरह आपने पूरा जो हमारे ऑप्शन हैं हमारे सामने रखे हैं। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई फॉर एवरीबॉडी इन द रूम कि हमारा ये जो दोनों जो कैमरास हैं ये चल रहे हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। मौलाना साहब की तकरीर सोशल मीडिया पे तो जारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं था। बिफोर वी कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन हाउएवर आई वुड लाइक टू सजेस्ट, ताकि हम एक फ्री माहौल में बात कर सके, आपस में हमने मुश्किल फैसले लेने हैं तो वो मुश्किल फैसले लेने के लिए हमें कुछ लोगों को मनाना पड़ेगा, कुछ लोगों को समझाना पड़ेगा, उसके लिए